अयोध्या जनपद के थाना कैंट क्षेत्र में मोहल्ले के ही दबंग युवकों की दबंगई या सामने मोहल्ले के ही दबंग युवकों ने मोहल्ले के युवकों को लोहे की रोड लाठी डंडे से जमकर पीटा। साथ ही दोनों बहनों पर छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप भी लगा। दोनों सगे भाइयों के सर पर गंभीर चोटी आई, इलाज जारी। मस्जिद के सामने हम लोग अयोध्या थाना कैंट लगता है। उनका भाई एक जो है बहनों को छेड़ता है, लड़कियों को छेड़ता है, रईस नाम है। तो उसका मैटर हमारे भाई लोग ने शिकायत लेकर गए तो उसका बड़ा भाई आके हम लोग के गली में आके गाली देने लगा उल्टा सीधा। जब गाली देने लगा हम लोग ने समझाने लगे कि अपने भाई को पहले समझाओ, तो नहीं समझाया। तो उसमें भाई वो भी मेरी पार्टी पे उनकी पार्टी पे दोनों आपस में मतलब बहस होने लगी। तो रात का मामला ख़त्म हो गया। जब सुबह मेरा भाई गाड़ी चलाता, मुस्तकीम नाम है, ड्राइवर है, वो गाड़ी लेके सुबह 5 बजे जा रहा था। एक चाय का होटल है वो शुभम गेस्ट हाउस के सामने, वहाँ चाय पीने लगा। उनके तीन लोग, रईस, मुस्तकीम, वो क्या बोलते हैं, रईस नाम है, मुश्ताक नाम है, वो लोग मिल के सब लोग हमारे भाई को अकेला पा के मार लिए। जब वो लोग मारे हल्ला गुहार होने लगा तो और मेरे चिल्ला के वहाँ से भागा तो हमारे घर वाले भी निकले, भाई भौजाई निकली। जब वो लोग निकली तो हमारे चचा का लड़का भी पीछे से निकला, बस उसको सरिया से राठ से मार दिया। कौन मारा था? मुश्ताक, मोटा मोटा सा है सरताज, उसके चार भाई हैं, चारों भाई मिलके जुट के मार लिए। और सुबह का समय था, 5:30 बजे सब सो रहे थे। अच्छा, आपने इसकी तहरीर दिया? जो तहरीर हमने दिया दरोगा के सामने, वो दरोगा साहब ने केस नहीं लिखा। उसके बाद वो उसको वो छोटी धारा में लिख के उसको मुश्किल मतलब वो जमानत से छूट गया। अभी अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अभी हम यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले। जो हम मुकदमा लिखाना चाह रहे वो नहीं लिखे हैं, वो छोटी धारा में छूट गया। अब हम लोग को डर है कि आज हमारे एक भाई को हमला कर दिए हैं, हमला कर गया कि मेरे बताओ इतनी हालत सीरियस है कि वो लखनऊ पहुंच गया। अब अभी और भी भाई हैं, 5-5, 6-6 मेरे भाई हैं, अभी किसी और को भी लग जाए तो हम लोग क्या करेंगे? अब वो लोग परका पाए हैं, जब देखो तब मारेंगे। परेशान तो जब से हम लोग इतने से इतने बड़े हैं तब से उनका एक भाई है जो छेड़खानी हमेशा करता है, और जब शिकायत देते हैं तब वो सब भाई चढ़ के आके लड़ाई कर लेते हैं, मार देते हैं। यहाँ तक एक भाई तो हमारी एक बहन को हाथ उठा दिया, घर में घुस के मेरी बहन को मारा। मगर वो लोग मोहल्ले के हैं तो हाथ पैर जोड़े तो हम लोग ने माफ़ कर दिया कि चलो क्या था ना, पुलिस जाए आपस की बात है, मोहल्ले की बात है, हम लोग छोड़ देते हैं। अब वो लोग परका पाए हैं, जब देखो तब आज हाथ उठाए हैं, आप भी कल सरिया उठाए हैं, और कल पता नहीं कट्टा बंदूक से भी वो मार सकते हैं। और ये धमकी दे भी चुके हैं कि आगे धमकी दे भी चुके हैं, अगर ज़्यादा हम लोग के खिलाफ पीछे पड़ोगे तो जान से मार देंगे। और ये जान से मार नहीं हुआ ना, सर पे चोट लगना मामूली चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। 20 टाका लगा हुआ, इनके 8 टाका लगा हुआ, दूसरे भाई को बहुत मतलब पीट पीट पे भी पूरा दगान पड़ा है, डंडस मारे हैं, तीन भाई को बहुत ज़्यादा जख्म आई है। जी नहीं, सिर्फ हम लोग थाने पे कैंट से मिले हैं, अब यहाँ आए हैं, अब हम लोग जाएंगे उच्च अधिकारी के पास जाएंगे, COCT के पास अब जाएंगे। इससे हमारी यही मांग है कि जैसे और महिलाओं की सुरक्षा करें तो वैसे हम लोगों की भी कुछ सुनवाई करें। क्या नाम आपका? चांदी बानो। जब हम छोटे छोटे बच्चे खेले तो उनको मारा, हम लोग गए शिकायत करने के लिए, मारे तो हमको लोग को गाली वाली देने लगे, हम लोग कहें कि गाली ना दो, फिर उसके बाद में हमको मारने लगे, हमारा सर डर फूट गया। फिर हमारे बड़े भाई को मार दिए और क्या बोलते छोटे वाले भाई को भी मार दिए, और यहाँ लखनऊ रिफर कर दिए हैं। और क्या बोलते थाने से जैसे क्या बोलते हम लोग गए, कोई कारूरी होती नहीं है, क्या बोलते छोड़ दिए, फिर गाली आके और फिर देते हैं, कहा फिर मारेंगे। पहले का कुछ नहीं था भाई, हम लोग पहले का छह भी नहीं था। सरताज, मेराज और क्या बोलते मुश्ताक। अच्छा, ये कहाँ का? ये न्यावा थाना कौन सा लगेगा? कैंट। कागज हम लोग ने दिया, वो कागज सर क्या बोलते हमारी बहन इनको लोग छेड़ते हैं सब, क्या बोलते हम लोग इनके घर पे शिकायत करने के लिए गए, उसको हमको लोग को मारने लगे। फिर क्या बोलते हम लोग कैंट में क्या बोलते FIR लिखाने गए तो छोटी धारा लगा छोड़ देते हैं, जमानत हो जाती है इनकी। अभी आप क्या मांग कर रहे हो? अब हम यही करते सर, हमारा लोग का सुनवाई नहीं होता, क्या बोलते पैसा इन लोग दे के छोड़। क्या नाम? रवि नाम है सर।